जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोटेक की तरफ से GT 1030 का ग्राफिक कार्ड, जो कि एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, और ये ग्राफिक कार्ड आता है GDDR5, और मैंने जो लिया है वो 2GB वाला ग्राफिक कार्ड लिया है। जी हाँ, आज हम इसी ग्राफिक कार्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे इस वीडियो के दौरान। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पेटीएम मॉल से ऑर्डर किया हुआ है, और इसको मतलब मैंने पेटीएम मॉल से इसलिए लिया है क्योंकि मुझे इस पर कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल गया। मैं आपको अगर इसकी प्राइस बताऊं तो मुझे ये केवल 6,200 रुपये का मिला है। जी हाँ, अब इसको जल्दी से मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। हालाँकि मैंने ये वीडियो पहले बना लिया था और सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। काफ़ी टाइटली खोला था ये मैंने, इस वजह से मैंने कट कर दी है वीडियो। डायरेक्टली ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने देखिए ओपन मैंने कर लिया है, और अगर आपको इसके बारे में कंटेंट वगैरह पढ़ने हैं तो आप इसको एकदम वीडियो को पॉज करके और इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या इसके प्राइस वगैरह दे रखे हैं, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये परचेज करना है तो मैं सारी की सारी जो लिंक्स होती हैं ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पेटीएम मॉल की भी लिंक मिल जाएगी आपको, अमेजोन से परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा, फ्लिपकार्ट से परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। फटाफट से अब मैं इसको बॉक्स को ओपन करता हूँ, और ये मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर हमें मिला है इसमें ड्राइवर्स वाली CD और एक स्टीकर इसके अंदर जो ये रखा हुआ है। अब बात करते हैं इसके क्विक इंस्टॉलेशन गाइड की, तो इसके अंदर वो सारा कुछ दिया होता है जो आप इंस्टॉल करने के काम आता है। अभी इसको हम करते हैं साइड में और देखते हैं ओरिजिनल बॉक्स कंटेंट की हमको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ये हमको मिल जाता है एक सॉकेट, जो कि हम यूज़ करते हैं छोटे वाले CPUs में ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए। जी हाँ, लेकिन मेरे पास बड़ा कैबिनेट है तो मैं पूरा का पूरा ग्राफिक कार्ड ऐसे के ऐसे ही फिक्स कर दूंगा अपने कैबिनेट में। अब मैं फटाफट से इसको निकाल लेता हूँ और देखते हैं अपना ग्राफिक कार्ड। जी हाँ, मैंने अपना ग्राफिक कार्ड निकाल लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम लुक देता है ये, और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हीट सिंक फैन दे रखा है जो सारी की सारी हीट को बाहर कर देगा। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, और देखते हैं इसको यूज़ करने के बाद कैसे ये यूज़ होता है। दो पोर्ट्स दे रखे हैं इसमें, HDMI और DVMI वाले पोर्ट। DVI वाला पोर्ट दे रखा है इसके अंदर, और बाकी ग्राफिक कार्ड हम यूज़ करके देखेंगे। जैसा कि आपने पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली जोटेक GT 1030 ग्राफिक कार्ड की, तो मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको ये ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा या फिर नहीं। और कोई भी अगर आपको किसी भी लिंक से अगर ये परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स सारी दी रखी हैं, वहाँ से आप जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।